एक बार हम आपस यहाँ कथा हो रहा है, आसो नवी कथा है ना, ये सामने जो पुलिया ना आगे वहां एक बिटेवा बकरी चरावे बैठी। हम लोग डोल डाल करेंगे ना, अंधेरों में काहे बिटिया बैठी हो, ये गणेशपुर की पुलिया ना है पहले काहे हम बैठे, हमारी जी जावत हुई हम उनके फटफटिया पर बैठ के जाइबो। हम कहें सुन ले लौड़े हो घरे जाओ, ने कहो भिड़ाना रहना निकल पड़ो तो फटफटिया का फटफटा बना ही दे। अब श्री राम लक्ष्मण आगे को बढ़े, सखियों ने दर्शन किया और एक सखी जो चंद्र प्रभा नाम की थी वो बोली, बहना सुनो कितने सुंदर है कि प्यारे लगई, अरे रघुवीर मोर सजनी प्यारे लगे। अरे प्यारी लगी हो बड़े प्यारे लगी, रघुवीर मोर सजनी प्यारे लगी हो, रघुवीर मोर सजनी। अरे छोटे छोटे तर कसले छोटी तनुइया छोटे 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 से लक्ष्मण वीर मोर सजनी प्यारे लगन हो रघुवीर मोर। एक लड़की कहन लगी, बहना ये आगे आगे जो चलते हैं तो बड़े सीधे मालूम, पत नीचे को सर झुकाया जाते, इनके दर्शन कैसे करें, पीछे वालों बड़ा चकर पकड़ करते हैं। लड़कियों ने सोचा तो दर्शन कैसे हो ठाकुर जी के, आजकल की अगर पिटियावा होती तो कच्ची छती रहे ना, कमरा कच्चे बने रहे पहले, ऊपर के रे देखा इतने बड़े बड़े गुट्टा निकाल के मरती खोपड़ी में खट हो। अपने अपने घर पहुंची और उन्होंने क्या किया, अच्छत रोली पुष्प लेकर के और अपने गेट पर खड़ी हो गई दरवाजे पर, जैसे राम जी पहुंचे ऊपर से अर्पण कर दिया, बोलिए गोविंद भगवान की। एक सखी बोली, वाह बरु सामरो जानकी जोगो, श्यामले वाले तो जानकी किशोरी जी के ला कितनी सुंदर बने, लेकिन प्रतिज्ञा का नाम सुनकर के देवियां आज कांप गईं। इधर सभी को दर्शन देते हुए भगवान श्री राम पूरब दिशा में पहुंचे, पूर्व पूरब दिश गए दो भाई, जहां तनुमख हित भूमि बनाई, राम दिखावहीं अनुजई रचना, कही प्रिय मधुर मनोहर बचना। राम लक्ष्मण पूरब दिशा में पहुंचे, लक्ष्मण ने वहां की सुंदरता को देखा तो राम से पूछने लगे। लक्ष्मण ने राम जी से पूछा, भ्राता? हाँ भैया। महाराज जनक की नगरी बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य तो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है विश्व की जितनी भी कलाकारी उत्तम से उत्तम कोटि की है वो महाराज जनक की नगरी में ही लगा दी गई है। जितने भी शिल्पी मशहूर हैं उन्होंने अपनी कलाकृति यही छोड़ दी है। अरे भ्राता, ये विदेह राज का नगर है और नगर तो इतना रमणीक है। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया यहाँ पर बड़ी सुंदर रचना है। अरे भ्राता, सब कहीं तो हम लोग घूमे लेकिन इस रमणीक स्थल पे इतना सौंदर्य क्यों दिखाई दे रहा है? अरे भ्राता, यहाँ महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। वाह, चलो ये जो सुंदर सुंदर आसन देते हो, संत विद्वान ब्राह्मण लोग बैठेंगे, बड़े बड़े आसनों पर राजा लोग बैठेंगे। तू भ्राता जी? हाँ भ्राता। ये सबसे जो दिव्य स्थल दिखाई देता है ऊंचा आसन, उस पर कौन विराजमान? इस पर वो बैठेगा जो इस धनुष का खंडन करेगा और सीता का वरण करेगा, वही सिंहासन पे बैठेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर संध्या से पहले अपने गुरुदेव जी के पास में श्री राम लक्ष्मण लौट गए।
शाम को अपने गुरुदेव की चरणों की सेवा सुश्रवा की, शाम को अपने गुरुदेव की चरणों की सेवा सुश्रवा की, बार बार मुनि अज्ञा दीना, रघुबर जाए सैन तब कीना। जब राम जी जाकर के सैन करने लगे, लक्ष्मण उनके चरणों को दाबने लगे। बार बार जब राम जी ने कहा तो लक्ष्मण सोए, लेकिन राम से पहले सुबह 4 बजे अरुण शिखा धुनकान, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। और सुबह जाकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों भैया अपने गुरुदेव विश्वामित्र के पास में पहुंचे। दोनों भैया विश्वामित्र जी के महाराज के पास में पहुंचे। विश्वामित्र जी अपने आसन पर विराजमान है। राम लक्ष्मण ने जाकर के जैसे गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, आयुष्मान भू प्रसन्न, जब तक मैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होता हूं चले जाओ, हमारी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। श्री राम लक्ष्मण दोनों भी आज चल देते हैं। कि सकल सोच कर जाई नहाई, नीति निभाई मुनि सिर नाए। चल दे हैं गुरुदेव, अपना कमंडल उठाया और चले। शमी जानी गुरु आए सुपाई, अरे शमी जानी गुरु आए सुपाई, और ये न प्रसूनी चले दो भाई। इधर दोनों भैया पुष्प लेने के लिए चले हैं। अब भूप पाक पर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बल बेली बिताना। और उधर महाराज दशरथ का जो माली है अपनी बगिया की रखवाली करने के लिए चलता है, माली बगिया की रखवाली करने के लिए चलता है। माली बगिया की रखवाली कर रहा है, चिड़ियों को उड़ा भगा रहा है। आज बड़ा चिड़ैया लाल लाल बैठी। कि हरिया हरिया करती दिन जाई, जन्म मिलो माली को। माली को हो माली को हो माली को, हरिया हरिया करती दिन जाई, जन्म मिलो माली को। इधर माली बाग की रखवाली कर रहा है, इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण। बागु तणागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। भगवान श्री राम ने बात की सुंदरता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा चिड़ैया तबाह करे है काका, यो देखो आज बंदर हुआ आई गो कहत बगियम। राम जी पहुंच जाते हैं माली के पास में। ओए ओए भैया भैया, कहां जा रहे हो बिना टिकट लिखो ना, देखा इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया? इसमें लिखा है गार्डन में जेंट्स नॉट अलाउड। वाह माली, तो अंग्रेजी भैया बोल लेते, आधी अंग्रेजी आधी फारसी आधी हिंदी। और क्या और क्या? मिलवा है मिलवा खिचड़ी। अरे भ्राता। हाँ भ्राता।
अपने गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए हमें पुष्पों की आवश्यकता है। अच्छा, तुमको कहीं दूसरा बाग नहीं मिला पुष्प लेने के लिए? कहने लगा माली, अरे जनानी बगिया, हाँ जनानी बगिया, फूल एक ना पाई हूँ। जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, फूल एक ना पाई हूँ। माली बोला, जो बाबूजी तुम फूलने को आए, जो बाबूजी तुम, जो बाबूजी तुम फूलने को आए, अरे पहिदौ सारी लगा बहु बिंदिया, फूल एक ना पाई। ओ जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, फूल एक ना पाई हूँ। जैसे माली ने कहा, राम जी तो बड़े सज्जन हैं, लक्ष्मण एकदम लक्ष्मण जी बड़े हो। बोले ए माली, हाँ बता, तुमको अक्ल नहीं बात करने की? तुम क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं, मैं पूछता हूं, तुम कैसे बातें करते हो? बातें नहीं करते, जनाना बाग है, इसमें जेंट्स नहीं घुस सकते हैं। तुम क्या लेडीज हो? दोनों में से हम लेडीज नहीं, लेडीज हैं। अरे माली भैया, हाँ भैया, हमको बहुत विलंब हो रहा है, हमको पुष्प ले लेने दीजिए। यही नहीं, यही भैया देखो, अर्ध नारेश्वर है, ये ना मर्द है ना नारी, अब सुन सुनो खुद ही समझ जाओ कहाँ है, दोनों के बराबर। माली कहने लगा, देखो भगवान श्री राम तिवारी जी, आज भगवान श्री राम का मर्यादित अवतार हुआ। क्या राम जी बोले? स्वामी जी लिख रहे हैं, अरे चौदिश चितई पूछ मालीगन, अरे चौदिश चितई पूछ मालीगन, औले न लगे फल फूल मुदित मन, वो फुलवारी देखो चौदी सी चितई और पूछ मालीगन, लेन लगे फल फूले मुदिते मन, दूर जाइए ना सुख मार देर अब हुई जाई। ए भैया, श्री राम लक्ष्मण